हाय गाइस, वेलकम टू कोड सीखे। और आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि सी लैंग्वेज में है, वो उसका नाम है फंक्शन। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए यार, फंक्शन इतना ज़रूरी है कि अगर आप लोग सी लैंग्वेज में फंक्शन आपको सही से समझ में नहीं आया हो तो आपको कोई भी प्रोग्राम सीखो, कोई भी कोडिंग सीखो, आपको उसमें बहुत ही दिक्कत होगी। फंक्शन एक ऐसा चीज़ है जो कि कोड को बहुत ही इजी कर देता है, यानी कि कोड एक बार लिखो उसको बार बार चला सकते हो, ठीक है, ये काम करता है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी उसको डिफिनेशन बताऊँ तो फंक्शन आर यूज टू डिवाइड अ लार्ज सी प्रोग्राम इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। इस तरह से फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं, किसी भी बड़ा प्रोग्राम को वह छोटी छोटी भागों में बांट कर करता है फंक्शन, जिससे कि आपका उसका रीयूजेबिलिटी आसान हो जाता है, यानी उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छा से, उसको रीयूजबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कि उसको बार बार यूज कर सकते हैं एक ही फंक्शन को, और उसको मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे उसको मल्टीपल बार कॉल करते हैं। फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर एंड सब रूटीन, ठीक है, यानी कि फंक्शन को एक प्रोसेस भी, प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं, उसको सब रूटीन भी कह सकते हैं। अब देखो यार, फंक्शन कैसे काम करता है उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्राउज़र पे चलता हूँ और वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरकार फंक्शन का काम कब होता है। मैं मान लो कि मैंने एक मैं अपना ही वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, जो मैंने ब्लॉगर पे बनाया है। अब देख लो यार कि क्या है कि यहाँ पे मान लो कि एक यहाँ पे सोशल मीडिया का आइकन लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, अपनी अबाउट सेक्शन में आओ, तो अगर मैं इस पर क्या है कि मैंने चार सोशल मीडिया रखना है, तो मैंने चार सोशल मीडिया का फंक्शन बना लिया। अब मान लो कि मैंने सोशल मीडिया का फंक्शन जो है ए फेसबुक के नाम से बना लिया। उसमें क्या है कि उसमें आइकन है, उसमें इसका लिंक है, यानी कि इसमें आइकन पर क्लिक होगा तो कहाँ पर जाएगा, सोशल मीडिया के नाम से मैंने फेसबुक नाम से बना लिया, ठीक है। फिर मैंने ट्विटर के नाम से उसी तरह से बना लिया, फिर पिंटरेस्ट के नाम से, इंस्टाग्राम के नाम से। अब जब भी हमको इसका यूज करना पड़ेगा तो सिर्फ हम लिखेंगे इसका फेसबुक और क्या हो जाएगा, इसका आइकन और इसका लिंक आ जाएगा। ये तो अबाउट पेज में आ गया। अब रिज्यूम वाली पेज में अगर जाएं तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम फेसबुक लिखेंगे और आइकन लिखेंगे, पिंटरेस्ट लिखेंगे, सिर्फ उसका फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फंक्शन काम करता है। लेकिन अगर फंक्शन नहीं होता तो क्या करना पड़ता, अबाउट सेक्शन में अगर इसको डालना है तो इसकी पूरी कोडिंग करनी पड़ती, यानी कि इसका लिंक डालना पड़ता, इमेज डालना पड़ता, कहाँ पे जाना वो डालना पड़ता, ठीक है। अगर बहुत बड़ा कोड है तो बहुत बार लिखना पड़ता है उसको, बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता। अब अगर रिज्यूम वाली पेज में जाए तो फिर से यहाँ पे अलग से कोडिंग करना पड़ता है, इसका आइकन डालना पड़ता है, इसका लिंक डालना पड़ता है, ठीक है। ब्लॉग वाले में जाए तो वहाँ पे भी डालना पड़ता है, कॉन्टैक्ट वाले में भी डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसका फंक्शन बना लिए तो उसका सिर्फ फंक्शन कॉल करो और उसकी जितनी भी कोड है एक जगह लिखी हुई रहेगी और उसका फंक्शन कॉल होते रहेगा, ठीक है। ये चीज़ काम करता है फंक्शन, यानी कि फंक्शन किसी भी कोड को बार बार यूज़ करने लायक बना देता है। चलो गाइस, तो हम लोग ने डिफिनेशन देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि फंक्शन की जो सिंटैक्स होती है वो कैसी होती है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले फंक्शन की जो सिंटैक्स है वो समझो आप। यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, उसके अंदर लिखा हुआ डेटा टाइप टू और फिर डेटा टाइप थ्री, डेटा टाइप फोर, जितने डेटा टाइप अंदर डाल सकते हो उतना डालो। उसके बाद इसके अंदर कोई भी कोड लिखोगे वो चल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप एक ऐसी चीज़ होती है जो फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा वो बताएगा। यानी कि अगर मान लो कि मैंने डेटा टाइप में वन डाला और डेटा टाइप टू में टू डाला, यानी कि वन और टू दो गो डेटा टाइप ले रहे हैं इसके अंदर और दो गो वैल्यू को यहाँ पे जोड़कर, मान लो कि टू और थ्री को जोड़कर फाइव आया, तो फाइव को हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो फाइव को रिटर्न करें, यानी कि फाइव रिटर्न कर रहा है। तो क्या होगा, फाइव क्या हो जाएगा, एक इंट वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप है फाइव, तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप हो जाएगी वो इंट हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना यार, तो बहुत ही इजी हो जाएगा समझना। और मैंने फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो और जो फंक्शन सबको हार्ड लगता है वो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो रिटर्न टाइप समझ गए कि यहाँ पर जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम लोग रिटर्न टाइप बोलेंगे, ठीक है। फंक्शन का नेम
यानी कि अगर किसी इंसान है उसका नाम क्या है, तो इसी तरह से अगर ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है तो इसका नाम क्या हुआ हमको बताओ, तो ये इस तरह से फंक्शन का नेम रखेंगे। अब डेटा टाइप क्या है इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये होती है आर्गुमेंट्स, ठीक है, यानी कि फंक्शन जो है वो ले क्या रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कंप्यूटर एक फंक्शन है, ठीक है, तो कंप्यूटर में यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दें। अब कंप्यूटर को कुछ तो देंगे, उसको हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हमारा डेटा टाइप्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ आर्गुमेंट्स ये वाली हो जाएगी, डेटा टाइप वन, डेटा टाइप टू, तो ये हो गया इनपुट। अब हम कंप्यूटर को इनपुट दिए तो वो आउटपुट क्या देगा, तो आउटपुट हमारा रिटर्न टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो, यानी कि रिटर्न टाइप हमारा आउटपुट है और इनपुट क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप लिखा हुआ है जो हमारा इनपुट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम कोई भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब मान लो कि कंप्यूटर एक फंक्शन है, तो कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इधर आओ। तो हम लोग फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी उसका फंक्शन का जो भी नाम होगा उसको लिखेंगे, अगर डेटा टाइप है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो, ठीक है। अगर इतना चीज़ें आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे, अब मैं फंक्शन का थोड़ा सा सिंटेक्स लिखूँगा और उसके ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कि जो पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फंक्शन होती है वो मेन क्लास के बाहर ऊपर या नीचे कहीं भी डिफाइन कर सकता हूँ, मेन क्लास के अंदर मत कर देना डिफाइन, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया कि वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड हमारा रिटर्न टाइप है, वर्ड मतलब ये जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा ये, यानी कि जो हमारा हेलो नाम का जो फंक्शन है वो वर्ड रिटर्न टाइप का है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पे भी कुछ डेटा टाइप में नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसकी जो आर्गुमेंट्स है वो कुछ लेगा भी नहीं, कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको हम ना तो कोई इनपुट दे रहे हैं ना कोई आउटपुट ले रहे हैं इससे, यानी कि वर्ड लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब ये तो ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है, तब हेलो बनाए क्यों हम फंक्शन, ये सिर्फ हमको प्रिंट करके देगा वेलकम स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि यहाँ पे void main जो मेरा हमारा मेन फंक्शन होता है उसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग हेलो को कॉल करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो यार जब भी फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ से हेलो को मैंने यहाँ पे कॉल किया, तब क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारा मेन से स्टार्ट होगा चलना, तो हमारा जो मेन लाइन है वो चल गया, फिर क्या बोला कि हेलो को कॉल करो, तो हेलो को जैसे कॉल किया गया तो उसको पता चला कि हेलो की जो फंक्शन है वो ऊपर डिक्लेयर है, तो ऊपर जाएगा कंट्रोल और ऊपर वाली लाइन को चलाएगा, तो वो तो कुछ प्रिंट करने वाली नहीं है, उसके अंदर वाली लाइन जैसे ही चलेगा तो उसमें लिखा हुआ प्रिंट वेलकम टू स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट, तो हमारे जो कंसोल के ऊपर वेलकम स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल यहाँ तक तो चल गया, हमारा जो लाइन्स थी वो यहाँ तक चल गया, अब हमारा अगला लाइन चलने की बारी है, तो फिर अगला हेलो जब प्रिंट होगा तब इसको पता चलेगा कि कोई हमको हेलो को कॉल कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन होगा हमारे कॉल्ड में जिसका नाम हेलो होगा, तो वो चेक करेगा कि हेलो है कहाँ पे, तो उसको पता चलेगा कि हेलो जो डिक्लेयर है वो ऊपर डिक्लेयर है, तो वो ऊपर वाली फंक्शन जाएगा और फिर से वो वही फंक्शन को रिपीट कॉल करवाएगा और उसको फिर हम लोग वेलकम टू स्टूडेंट फिर से प्रिंट कर देंगे। तो गाइस देखें आपने कि हम लोग ने जो हेलो वाली प्रोग्राम थी उसको हमने सिर्फ छोटी सी लाइन लिखकर उसको दो बार कॉल करवाया, यानी कि अगर हमको यहाँ पे दो बार वेलकम टू स्टूडेंट लिखना प्रिंट करवाना पड़ता तो हमको दो बार प्रिंट एफ लिखना पड़ता, लेकिन मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया उसमें एक ही बार प्रिंट एफ लिखा और उसको जितनी बार कॉल करवाएंगे ना उतनी बार ये हमको वेलकम टू स्टूडेंट बोलता जाएगा, यानी कि हमको बार बार प्रिंट एफ नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक बार फंक्शन बना लो उसको कितने बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं। आगे चलो अब हम लोग देखते हैं यार कि टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि हम लोग का जो फंक्शन होती है वो कितनी टाइप की होती है।
तो फंक्शन का मेनली दो टाइप होते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है हम लोग का यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब देखो यार, लाइब्रेरी फंक्शन में हम लोग को क्या होता है कि प्रिंट एफ स्कैन एफ, अभी जो हम लोग काम कर रहे थे हर बार हम लोग प्रिंट एफ करते हैं, तो प्रिंट एफ का भी एक फंक्शन है कि वो एक काम करता है। प्रिंट एफ का ये भी एक फंक्शन है कि वो एक कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। यानी कि अगर कंप्यूटर के भी फंक्शन की बात करें तो कंप्यूटर भी कोई भी चीज़ को प्रोसेस करता है, उसको आउटपुट देता है, ये सारी जो उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। अब मनुष्य का क्या फंक्शन है, मनुष्य कोई भी काम को कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, तो उसकी भी एक फंक्शन होती है। तो उसी तरह से प्रिंटर भी एक फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी में पहले से डिक्लेयर रहती है। यानी कि जब भी हम लोग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाली जो लाइब्रेरी लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, तब उसमें फंक्शन जो है प्रिंट एफ की ऑटोमेटिक डिफाइन रहती है कि जो प्रिंट एफ है वो प्रिंट करवाने की काम आएगी। लेकिन यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होती है, तो यूज़र डिफाइन बोले तो हम लोग जो बनाएंगे वो फंक्शन जो होगी वो यूज़र डिफाइन होगी। यानी कि हम लोग खुद का फंक्शन बनाएंगे ना, कि हम लोग खुद से तो कोड को रन करवाने की कोशिश करेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे कि जो कंप्यूटर ने बना दिया, जो किसी ने बना दिया उसी को हम लोग चलाते रहेंगे। हम लोग खुद का कब बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग के पास आता है यूजर डिफाइन फंक्शन। अब यहाँ पे फिर से हम लोग रिटर्न टाइप देखते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप यही बोलता है कि व्हाट्स फंक्शन रिटर्न, यानी कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न देगा या आउटपुट क्या देगा ये तो बता दो। तो रिटर्न टाइप में हम लोग वो बताते हैं। आर्गूमेंट्स क्या लेते हैं, यानी कि तुम्हारा जो फंक्शन है क्या लेगा, इनपुट क्या लेगा, टेकेगा क्या, यानी कि व्हाट्स फंक्शन टेक, ठीक है। अब जब भी रिटर्न टाइप हम लोग लगाएंगे तो हमको यहाँ पर रिटर्न लिखकर वो वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। अगर इंट रिटर्न टाइप लें तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। फ्लोट रिटर्न टाइप लिख दें तो यहाँ पर 1.2, 1.3 इस तरह से कुछ रिटर्न टाइप हम लोग को करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं हम लोग कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, अब देखो यार, सबसे पहला फंक्शन हम लोग को पढ़ते हैं नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। अब देखो यार, आर्गुमेंट मैंने बताया कि फंक्शन जो टेक करेगा यानी कि लेगा जो, और नो रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शन आउटपुट क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शन आउटपुट क्या है, और फंक्शन आर्गुमेंट मतलब टेकेगा क्या, यानी कि इनपुट मतलब आर्गुमेंट, आउटपुट मतलब रिटर्न वैल्यू। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, void फंक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न वैल्यू हमारा void है और यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है वो भी हमारा खाली है। यानी कि ये जो फंक्शन है ना तो कोई आर्गुमेंट ले रहा है ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है, समझ गए। यानी कि ये जो आर्गुमेंट, ये जो फंक्शन है हमारा किस टाइप का, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि समझते हैं फिर से। अब देखो यार क्या होता है वो समझो। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट जो हमारा है वो void हो जाएगा, रिटर्न टाइप जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे लिखा जाएगा। कलर को मैच कराओ, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर से समझो, आर्गुमेंट हमारा कहाँ पे रहेगा, जो ये जो हमारा आर्गुमेंट्स है वो यहाँ पे आएगी। कलर यहाँ पे मिसमैच हो गया क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगा, आगे समझ में आएगा, आगे अच्छा कलर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसे समझने की कोशिश करो, आर्गुमेंट हमारा जो है वो नो है, नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं देना। तो फंक्शन के अंदर जो देखो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट है नहीं है, रिटर्न टाइप भी हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप में हम लोग वर्ड लिख दें। अब आप बोलोगे कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट नहीं था तो वहाँ पे भी वर्ड लिखो, तो नहीं, हम लोग आर्गुमेंट में कुछ नहीं लिख सकते वो चलेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न टाइप में वर्ड और आप चाहते हो कि वर्ड को हम कुछ नहीं लिखें तो नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड लिखते हैं। अब फंक्शन के अंदर आते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो फंक्शन जो हमारा है प्रिंट एफ बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, और रिटर्न 0 है यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 0 रिटर्न कर दें। अब इस तरह की जो भी फंक्शन रहेगा उसको कॉल कैसे करवाएंगे, यानी कि जिसकी कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं, तो उसको कॉल कैसे करवाना है। तो उसको कॉल करवाने के लिए सिर्फ हमको फंक्शन का नाम लिखना और आर्गुमेंट में हमको कुछ नहीं है तो कुछ नहीं डालना, ठीक है। इस तरह से अगला फंक्शन टाइप की बात करें यूजर डिफाइन की, तो अगला जो आ गया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी इसमें फंक्शन जो है वो कुछ इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट नहीं देगा। तो देखो यार अब देखते हैं इसको। तो हमारा void आ गया। देखो
आउटपुट देने की बात आई तो आउटपुट तो नहीं दे रहा, तो इसीलिए हमको वर्ड लिखना पड़ गया यहाँ पे, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ आउटपुट नहीं देगा, तो इसको वर्ड बोलो इसको, ठीक है। अब यहाँ से मैच करवाओ इसको, नो रिटर्न, तो वर्ड लिख दिए, और रिटर्न टाइप जो यहाँ पे है रिटर्न, वहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो जीरो कर देंगे। अब विथ आर्गूमेंट बोला, यानी कि इसमें कुछ आर्गूमेंट होना चाहिए मेरा, यानी कि कुछ इनपुट लेना चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि इंट ए, यानी कि ए एक इंटीजर वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं, और इनपुट डालने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, और जो हम लोग ए को डालेंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, जितने भी हम लोग इंटीजर ए की वैल्यू डालेंगे उतना यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब ये तो समझ गए कि विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू की जो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से डिक्लेयर होता है, यानी कि विथ आर्गूमेंट हम लोग आर्गूमेंट जो देंगे यहाँ पे देंगे, रिटर्न वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब अगर हमको इस फंक्शन को कहीं पे कॉल करना हो तो कैसे कॉल करेंगे, तो देखो यार हम लोग की जो वर्ड है, जो हमारा रिटर्न टाइप है, वो तो कुछ नहीं, तो हमको आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग का जो आर्गुमेंट्स है वो हम लोग को कुछ ले रहा है, यानी कि इनपुट हमको कुछ देना है, तो फंक्शन लिखेंगे और जो भी इनपुट हमको देना होगा वो 10 देंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो भी, अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट, तो यहाँ पे इंट वाली वैल्यू देंगे, यहाँ पे फ्लोट लिखते थे, यहाँ पे फ्लोट वाली वैल्यू देंगे। अब समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे 10 मैंने असाइन किया, तो यहाँ से जब कॉल होगा तो ये की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से फंक्शन कॉल करता है, और हम लोग अभी इसको VS कोड में भी बना के देखने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो आगे, अगला कौन सी हम लोग की फंक्शन है, नो आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, इसी का उल्टा कर दो, ऊपर वाली जो मैंने अभी बताया उसका उल्टा कर दो। तो देखो यार उल्टा करेंगे तो अब अपनी मन में सोच के बताओ, यही वाली फंक्शन को आप फिर से बना के दिखाओ कि विथ आर्गूमेंट, मतलब सॉरी नो आर्गूमेंट और विथ रिटर्न वैल्यू में इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो फंक्शन नो आर्गूमेंट बोला तो हम लोग यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे नो आर्गूमेंट बोला तो हम लोग यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं दिए, कुछ नहीं लिखे हैं हम लोग, यानी कि इनपुट हमको इस फंक्शन में कुछ नहीं देना। विथ रिटर्न वैल्यू, यानी कि वैल्यू कुछ रिटर्न होगा इसमें से, आर्गूमेंट कुछ इनपुट नहीं दिए लेकिन आउटपुट तो कुछ हमको चाहिए, ये बोला गया, तो हम लोग जो आउटपुट है वो कैसा लेंगे, हम लोग को आउटपुट चाहिए इंट वाली, हम लोग ने पहले बता दिया कि जो यहाँ पे आउटपुट जो ले रहे हैं वो हमारा इंट होगा, ठीक है, तो इंट हमारा जो आउटपुट आएगा वो कहाँ से आएगा, तो मैंने बताया कि जो भी रिटर्न होगी वो वैल्यू हमारी यहाँ पे लिखी जानी चाहिए, यानी कि रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ पे 10 रिटर्न करवाएंगे तो ये इंट में चला जाएगा, और इसकी जो डिक्लरेशन है जो इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे वो समझते, तो देखो यार ये वाली जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करवा रही है, यानी कि जैसे इसको कॉल करेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, कितना वैल्यू दे रहा है, तो ये 10 वैल्यू दे रहा है, तो अगर हम इस वैल्यू फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो कहीं रखना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने पहले से इंट ए लगाया, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए वाली इंटीजर में सेव हो जाएगा। अब बताओ मैंने इंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक इंटीजर ही है, तो उसको हम लोग इंट में ही रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग नो आर्गुमेंट और विथ रिटर्न वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला देखो यार हम लोग के पास है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अब इसका प्रोग्राम आपको खुद बनाना है, अगर ये पूरी चार्ट आपको समझ में आ रहा है तो आपको विथ आर्गुमेंट और विथ रिटर्न वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपसे ये प्रोग्राम बन रहा है विथ रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट वाली, तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि हाँ यार हमको फंक्शन बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। चलो इसको बना के देखते हैं कि ये कितना ईजी होने वाला है। तो देखो यार हम लोग को सबसे पहले बोला गया कि विथ आर्गुमेंट, हम लोग को आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, आर्गुमेंट यहाँ पे तो लिखते हैं। मैंने क्या किया कि दो आर्गुमेंट दिए, मैंने ए और बी दोनों इंटीजर टाइप की दो आर्गुमेंट दिए, और रिटर्न वैल्यू पूछ रहा है, तो रिटर्न वैल्यू जो हम लोग ने दिया वो इंट दिया, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं कि एक ऐसे फंक्शन बनाओ जिसमें दो आर्गुमेंट लेगा और उस दोनों को रिटर्न करवा के वैल्यू रिटर्न कर देगा,
ठीक है, यानी कि ए और ए को रिटर्न करवाएंगे इंटीजर में, तो क्या हम लोग की वैल्यू आएगी? इंटीजर ही आएगी, यानी अभी तो पीछे में बताया मैंने कि अगर इंट इंट की ऑपरेशन होती है तो उसमें इंट ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग की जो रिटर्न है वो इंट है, तो रिटर्न कहाँ से करवाएंगे? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो इंटीजर तो मैंने लिया इनपुट, लेकिन मैंने एक इंट को घर पे ही बना लिया, यानी फंक्शन के अंदर ही बना लिया, कौन से सी। अब क्या किया कि मैंने जो दो इंटीजर जो इनपुट आ रहा था वो दोनों को जोड़कर मैंने सी में रख दिया और उसी को रिटर्न करवा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या काम कर रहा है, दो इंटीजर की जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि दो इंटीजर यहाँ पे जोड़ होगा, सम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको कॉल कैसे करेंगे, तो इसको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया कि जो सम आ रही थी वहाँ से उसको मैंने एक सम नाम की वेरिएबल में असाइन करवा लिया, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख कर क्या बोला कि फंक्शन 2 और 6, मैंने दो वेरिएबल क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो इनपुट था वो दो ले रहा था, दो को, ठीक है, दो इंटीजर ले रहा था, तो इसीलिए मैंने 2 यानी कि ए की वैल्यू 2 डाली और बी की वैल्यू 6 डाली। अब दोनों जब ये फंक्शन के अंदर जाएगा तो 6 और 2 8 होकर रिटर्न हो जाएगा और सम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8। इस तरह से हम लोग फंक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। चलो चलते हैं वीएस कोड में, जल्दी से मैं वीएस कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ से हम लोग फंक्शन का एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा, एक सेकंड गाइस, फंक्शन, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मैंने जितने भी चार टाइप के फंक्शन बताए उसका हम लोग कॉल करें, ठीक है। रिकॉल यहाँ पे करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नो रिटर्न वैल्यू और नो आर्गुमेंट, बस शॉर्ट में लिखता हूँ यार, और यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट करता हूँ वही वाले लाके, और ये बताओ कि फंक्शन कहाँ डिक्लेयर होती है, तो फंक्शन मेन के ऊपर डिक्लेयर करना होता है, तो मैंने लिखा फन, मैंने फंक्शन लिखा इतना और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकंड, देखो यार हम लोग को चाहिए थे कि कुछ भी ये वैल्यू रिटर्न नहीं करवाए, तो ये रिटर्न नहीं करवाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न इज इक्वल टू 0, यानी कि रिटर्न 0 हो जाएगा, कुछ भी ये वैल्यू जो जो ये फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आर्गुमेंट्स कहाँ डालते हैं, आर्गुमेंट यहीं पे तो डालते हैं आर्गुमेंट, लेकिन हमको क्या चाहिए, कुछ आर्गुमेंट नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नो रिटर्न वैल्यू और नो आर्गुमेंट का एक फंक्शन बना लिया, और हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखेंगे और कॉल करेंगे। अब देखो यार इसका जो काम है वो कैसे होगा, यहीं से तो हम जब भी रन करवाएंगे तो हमारे फंक्शन कहाँ से, यहाँ से रन करेगा, फिर फंक्शन पे जाएगा और खोजेगा कि हमारा जो फंक्शन है कहाँ बना हुआ, कहाँ बना हुआ फंक्शन, तो हमारी जो फंक्शन यहाँ बना हुआ यहाँ से रन करना स्टार्ट होगा। अब हम लोग इसी को इतना बार हम लोग रन करवाना चाहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 बार फंक्शन को रन करवाना हमको ये बोले, यानी कि हमको 6 बार हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड इस तरह से अगर प्रिंट करवानी हो तो हम लोग क्या किए, एक ही बार उसका फंक्शन बना लिए और 6 बार कॉल कर दिए, यानी कि हम लोग को बार बार तो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, एक सेकंड, कुछ दिक्कत दे रही है, कहाँ पे आ रहा है, ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके रन करवा दिया जो कि आपको नहीं करना है, तो यहाँ पे फिर से रन करवाते हैं और बोला जा रहा है कि फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा और सही करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चल गया, देख लो हम लोग का हेलो वर्ल्ड आ गया, हम लोग का प्रिंट किया हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे वाली लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे सिंपल सा लगाऊंगा बैक स्लैश एन, अब मैं फिर से रन करवाऊँगा। अब आप देख सकते हैं जितना बार मैंने फंक्शन को कॉल किया उतना बार यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो ये होती है फंक्शन जो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड कोड को लिखने में बहुत ही इजी कर देता है, यानी कि एक बार फंक्शन को लिख दो कॉल करते रहो उसको, ठीक है। तो यार अभी वीडियो में बने रहना, अभी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपको फंक्शन के थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल सीखना बहुत ज़रूरी है, तो
तभी हम लोग ने विथ रिटर्न वैल्यू का, नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट किया था। अब हम लोग करते हैं विथ रिटर्न और नो आर्गुमेंट्स डॉट सी। हम लोग को अब कैसा प्रोग्राम बनाना, वैसा प्रोग्राम बनाना जिसमें कुछ रिटर्न करेगा लेकिन कोई आर्गुमेंट्स नहीं लेंगे। चलो बताते हैं। देखो यार, अगर कुछ रिटर्न करवाना है तो हमको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो मान लो कि हमारा ये जो फंक्शन है वो फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फन, और हम लोग को कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं देना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अब अंदर फंक्शन के अंदर जाएंगे और मान लो यहाँ पे लिखा मैंने कि प्रिंट एफ दिस इज विथ रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्गुमेंट्स फंक्शन, इतना मैंने लिख दिया। मैंने ये प्रिंट करवाना चाहा और फिर हम लोग को जी रिटर्न करवानी, यानी कि यहाँ से फ्लोट वैल्यू कितनी रिटर्न होगी वो हम लोग को बताना है। यानी हम लोग चाहते हैं कि 520365 इतनी वैल्यू जो वो रिटर्न करे ये वाली फंक्शन। तो अब गाइस मैंने बताया था कि जैसे इसको कॉल करेंगे तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर ये फ्लोट वाली वैल्यू को रखना है हमको, यानी कि फंक्शन को अगर ऐसे कॉल कर दें तो चलेगा तो सही, लेकिन क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 52.365 ये जो वैल्यू है वो कहीं रखाएगा नहीं। तो इसके लिए मैंने एक फ्लोट नाम की वेरिएबल बनाई और बी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप की, और उसमें हम अपना फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको रख दिया। अब मैं वही वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, यानी कि वी की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, वी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो इसमें कुछ वैल्यू आनी चाहिए, कितनी वैल्यू आएगी, इतना वैल्यू आना चाहिए। तब देखते हैं कि ये फंक्शन रिटर्न करता है कुछ कि नहीं करता। मैं इसको ऊपर लाता हूँ और एक सेकंड, क्या दिक्कत दे रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो क्या मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, फ्लोट ए इज इक्वल टू इतना, सॉरी इतना, और मैं फ्लोट की जो वैल्यू ए है ए को रिटर्न करता। अब तो सही आना चाहिए, सॉरी गाइस रिटर्न की स्पेलिंग गलती है, मैं पागल हो गया हूँ। यस स्पेलिंग गलत और मैं उल्टा पुल्टा करने में लगा हुआ था। चलो तो आपको भी इस तरह से ध्यान रखना है, मैं फिर से यही ट्राई करता हूँ, अभी आई होप चल जानी चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए भाई। चलो आई होप चल गया। अब हम लोग का साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो देखो कुछ अजब गजब वैल्यू प्रिंट हुआ, लेकिन क्यों प्रिंट हुआ, ऊपर वाली लाइन तो सही चल गई लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो गलत क्यों दे रहा है। हम लोग को रिटर्न में इतना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे इतना प्रिंट होना चाहिए था लेकिन गड़बड़ प्रिंट हो रहा। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट नाम की वेरिएबल बनाई और प्रिंट कर रहा हूँ एक इंटीजर को, यहाँ पे डी लगा कर एफ लगाना चाहिए, डी हटा कर। अब हम लोग प्रिंट करवाएं तो क्या हम लोग की जो ओरिजिनल वैल्यू वो आएगी, तो देख सकते हैं 34.3200 आया। तो यहाँ पे क्या 34.32 है, यस है, इसकी वैल्यू इतने ही तो है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि ये वैल्यू कितना रिटर्न कर रहा है, ये वाली वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फंक्शन की वैल्यू बनते हैं। अब एक चीज़ और मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर हमको चाहिए कि ये जो फालतू की 00 आ रही है वो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि डेसिमल के बाद सिर्फ दो नंबर चाहिए, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जहाँ पे आप प्रिंट एफ लिखे थे और परसेंट एफ लिखे हैं वहाँ पे आकर पॉइंट लगाओ और टू लगा दो, यानी कि पॉइंट के बाद हमको टू वेरिएबल चाहिए। अगर थ्री चाहिए थ्री वैल्यू, थ्री लगा दो, मैं टू लगाता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ टू वैल्यू आई। तो ये वाली गाइस याद रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला फंक्शन है वो कौन सी फंक्शन है वो देखते हैं। अगला जो फंक्शन आएगा हम लोग के पास नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट डॉट सी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन उसको इनपुट में कुछ देना पड़ेगा हमको। चलो यहाँ से हम बनाते हैं कि कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं लेना, तो वॉइड लगा देंगे रिटर्न टाइप में, और हम लगाते हैं फन। और जैसे बोला गया कि रिटर्न वैल्यू नहीं है लेकिन आर्गुमेंट कुछ दो, तो मैंने यहाँ पे इंट ए दिया, ठीक है, यहाँ पे बंद नहीं करना। इंट ए देने के बाद हम लोग इसमें इनपुट ए दे रहे हैं, और वो इनपुट को हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, परसेंट डी, और जो इनपुट आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दें, ठीक है। तो इतना प्रोग्राम मैंने लिखा, ये क्या करेगा कि जो भी इनपुट देंगे उसको सिंपल सा ये प्रिंट कर देगा। तो अब देखो गाइज, मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, फन लिखता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही फंक्शन को मैंने लिखा फन, तो ये बता रहा है कि भाई तुमको अंदर में एक इंटीजर ए देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कि 3 4, ये इंटीजर वैल्यू इतना लिखना, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल मतलब रन करवाया, तो अब मेरे पास 3 4 प्रिंट हो गया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे 3 4 गया यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ से प्रिंट करवा दिया वो वैल्यू को। यानी कि जैसे आर्गुमेंट लिए तो हमको इनपुट में देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे भी इनपुट दो, ये समझ में आना चाहिए। अब हम लोग लास्ट फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा है विथ आर्गुमेंट डॉट सी। यहाँ पे भी मैं वो फंक्शन को कोड को पेस्ट करता हूँ, और चलते हैं ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ विथ रिटर्न वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि एक सम वाली प्रोग्राम बनाए, यानी कि इंट रिटर्न करेगा। सबसे पहले मैं बिना रिटर्न के बना के दिखाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, और हम बना रहे हैं सम की एक फंक्शन, और इसमें हम लोग दो नंबर को देंगे, यानी इंट ए आएगा और इंट बी आएगा, दो वैल्यू आएगी। और इसके अंदर क्या होगा, एक अलग से सी बनाता हूँ, और सी के अंदर ए प्लस बी को डाल देता हूँ, और फिर क्या बोलता हूँ कि रिटर्न कर दो भाई तुम सी की वैल्यू। तो अगर सी की वैल्यू रिटर्न कर रही थी, ये कौन सी टाइप हो जाएगा, यानी कि इंट इंट प्लस होगा तो इंट टाइप का होगा, तो हमको यहाँ पर रिटर्न वैल्यू भी तो देना पड़ेगा, इंट एक रिटर्न वैल्यू है। अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी वेरिएबल होना चाहिए जिसमें उसका सम ऐड हो जाए, मतलब स्टोर हो जाए। तो मैंने जी नाम की एक वेरिएबल बनाई, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम। जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ये बता देगा कि आप पहले ए की वैल्यू डालो, मान लो मैंने 4 डाला, जैसे कॉमा लगा उसे बोलेगा कि ये वी की वैल्यू डालो, तो मैंने 6 डाला। अब दोनों की जो वैल्यू मैंने 4 और 6 डाला वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद 5 मतलब 6 और 4 को जोड़ेगा, और 10 जो है हम आपको रिटर्न करवा देगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू रिटर्न हो उसको हम नीचे ला कर प्रिंट करवा दें, तो परसेंट डी, और यहाँ पे जी की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। इस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि इसको रन करवा के देखना कि क्या ये फंक्शन सही से दो नंबर को जोड़ रहा है कि नहीं। तो 4 और 6 की जो एड्स है वो 10 आने वाली है, तो इस तरह से हमको 10 मिल गए, ठीक है। तो अब हम लोग एक अलग से प्रोग्राम बनाते हैं जो कि कुछ अमेजिंग सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो फन लिखते हैं और डॉट सी लगाते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग ऐसा करना चाहते हैं कि देखो मैं क्या बनाना चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ आता हूँ, कि मैं यहाँ पे फंक्शन जो आप यहाँ पे प्रिंट एफ में जो भी चीज़ें मतलब कि लिखवा रहे थे डाल रहे थे, हम लोग चाहते हैं कि एक सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं। सब्सट्रैक्शन बोले तो नहीं, मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई का एक प्रोग्राम बन जाए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट सॉरी मल्टीप्लाई की फंक्शन बनाएंगे, इसमें दो गो वेरिएबल लूँगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंट सी भी एक वेरिएबल रहे, इंट सी वेरिएबल में ए
इंटू बी को डालकर ऐसा अगर नहीं करना तो आपको सिंपल सा रिटर्न लिखो और रिटर्न में ए इंटू बी लगा दो और रिटर्न करवा दो। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का एक हम लोग सम की जो भी वैल्यू सम की भी फंक्शन बना लेते हैं साथ साथ में, सम की और सब्सट्रैक्ट की तीनों फंक्शन एक ही साथ बना लेते हैं हम लोग और देखते हैं तीनों को कॉल करके कैसे कॉल होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम और रिटर्न टाइप में जो यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगा और इस वाली में आकर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखूँगा और इसकी जो वैल्यू है उसको माइनस कर दूँगा और सारे वाली वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि इतना लिखने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इंट लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग ए वैल्यू बनाते हैं और उसमें सम वाली पहले डालते हैं और इसमें 4, 6 इस तरह से मैंने वैल्यू डाली और इसी तरह तीन को बना लेता हूँ ताकि तीनों की फंक्शन जो है वो कहीं स्टोर हो जाए। बी में मैं स्टोर करता हूँ, सी में स्टोर करता हूँ। बी में सब्सट्रैक्ट की वैल्यू स्टोर करता हूँ और जो सी में है वो मल्टीप्लाई की वैल्यू स्टोर करता हूँ। हम लोग इसी तरह से तीन बार प्रिंट भी कर देते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट डी और यहाँ पे मैं ए लिखकर प्रिंट करवाता हूँ और इसी तरह से मैं तीन को वेरिएबल बना लूँगा, इसमें बी लिखूँगा और इसमें सी लिखूँगा। देखो यार एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ ये कैसे कॉपी कर, तो उसके लिए आपको क्या करना है अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके रखना और नीचे वाली एरो को जैसे प्रेस करोगे तो वो वाली लाइन कॉपी होती जाएगी। ठीक है तो अब मैंने इतना प्रोग्राम बना लिया, इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू उसको सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और ऐड तीनों एक ही बार करके बताएगा। तो मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे लिखना है क्लियर और एंटर दबाओगे तो टर्मिनल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद रन करवाते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो सब्सट्रैक्शन है वो आ चुका है। उससे पहले मैं यहाँ पे न्यू लाइन में लाने के लिए मैं बैक स्लैश एन लगाता हूँ। चलो फिर से रन करवाते हैं तो यह हमारा सम आ गया, सब्सट्रैक्ट और ये मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें हम लोग के पास मिली। तो यार अगर ये फंक्शन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारे जो स्लाइड्स थी वो एमिनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहना और कमेंट करके बताना कि ये वाली वीडियो कैसी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और सीखते रहें।